हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संजय कुमार दास आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, कल बड़ाकवेली में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आए थे और आप सभी से निवेदन किया है कि आप लोग घर पर ही रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए और बाहर ना जाए। तो फ्रेंड्स, उस टाइम हम लोगों का सिलचर फायर स्टेशन का जो हेलीपैड ड्यूटी होता है वो कैसा होता है, मतलब जब सीएम सर आते हैं, जब सीएम सर का हेलीपैड हेलीकॉप्टर जब लैंड होता है तो उस समय फायर स्टेशन का ड्यूटी कैसा होता है। साथ ही मैं दिखाऊंगा जेड प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे चैनल पर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का हाई कैपेसिटी वाला मॉनिटर है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत बड़ा फायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस फायर टेंडर में करीब 3500 लीटर वाटर कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, ये जो आप लोग एज देख रहे हो, यहाँ पर ही हेलीकॉप्टर लैंड होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों का फायर फाइटर्स तीनों पूरा रेडी पोजिशन पर है और ये हमारा फायर व्हीकल है जिसके अंदर 4500 लीटर वाटर है। फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पीला धुआं है। ये पीला धुआं हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए ही निकाला गया है। ये धुआं ऊपर से विजिबल होता है और लैंड करने के लिए सुविधा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का सर भी मौजूद है, साथ ही रंगीखड़ी फायर स्टेशन का फायर फाइटर्स भी है हम लोगों के साथ आज इस हेलीपैड ड्यूटी में। फ्रेंड्स, हमें हेलीपैड ड्यूटी में 30 मीटर का दो डिलीवरी होस टी शेप में रखा जाता है और उसमें ये FB10 फॉर्म मेकिंग ब्रांच पाइप लगाया जाता है और पानी के साथ जो केमिकल मिक्स किया जाता है ये AFFF मैकेनिकल फॉर्म है। फ्रेंड्स, ग्राउंड में अमीनुर रहमान, मुकुल हजूरिया और एच बरगोहाई है वहाँ पर, आप देख सकते हो। और उन लोगों के हाथों में अभी जो आप लोगों को सामान दिखाया है वो सब उनके हाथों में है। और फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हमेशा ओपन स्पेस की ही ज़रूरत होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। फ्रेंड्स, आप सबको एक मज़ेदार बात बता दूँ, जब हेलीकॉप्टर लैंड होता है हेलीपैड ड्यूटी में आपको धूल से नहाना पड़ता है और वहाँ हेलीकॉप्टर के पंखों से इतना तेज़ी से हवा का उत्पत्ति होता है, आपका जो गालों का स्किन होता है वो कुछ टाइम के लिए पीछे चला जाता है। फ्रेंड्स, इस हेलीपैड ड्यूटी में हम लोग का सीनियर स्टेशन ऑफिसर सर है, साथ ही हम लोगों का पूरा टीम है, आप सभी लोग देख ही सकते हो। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा CM सर का हेलीकॉप्टर ने अभी यहाँ पर लैंड कर दिया है और आप लोग भी देखते रहिए, कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। फ्रेंड्स, इस ओपन स्पेस में चारों तरफ NSG का सिक्योरिटी है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ घेरा हुआ है। कुछ देर बाद ही आप लोगों को दिखाई देगा, आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ड्यूटी पर मेजर साहब है ये। फ्रेंड्स, धीरे धीरे हेलीकॉप्टर का पंखों का स्पीड जो है वो कम हो रहा है और कुछ देर बाद ही असम के CM श्री सर्बानंद सोनोवाल सर वहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे और यहाँ ब्लैक कलर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो। ये सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। ये है सर का व्हीकल जिसमें सर DC ऑफिस तक जाएंगे। CM सर के स्वागत के लिए कचार के DC वर्णाली खर्मा बाईदेव भी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही जिला प्रशासन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है और आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग भी मास्क पहनिए। इस ड्यूटी में फायर फाइटर्स पूरा PPs पहन रहे हैं। फ्रेंड्स, CM सर अभी निकलेंगे हेलीकॉप्टर से, आप लोग देखिएगा ब्लैक कलर के ड्रेस में वो सभी लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जवान है।
फ्रेंड्स, हम लोगों का सीएम सर बाहर आ गए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, सोनवाल सर यहाँ से सीधा डीसी ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ से ही पूरी असम के जनता को संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो सर्बानंद सोनवाल सर का जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी। हे फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ वीडियो लाता ही रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।